अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो हमने काम करना है ना, बहुत ही मज़े का काम है। एक भाई ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला कि भाई आप इस तरह से करेंगे तो एक नई चीज़ आ जाएगी मास्टर केज में, आप भी खुश होंगे और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी इस तरह से कर लेते हैं काम। दोस्तों ये है कि पिछले दिनों मैंने आपको उस दरख्त के अंदर एक गौसा दिखाया था। वो गौसा दोस्तों किसका था? लाफिंग डव का था। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आप इसमें से अंडे जब आए तो आप ये अंडे उठाकर अपनी खुमरों के नीचे रख दें, इससे क्या होगा कि आपके घर में लाफिंग डव्स आ जाएंगी और आपके घर की भी पालतू हो जाएंगी। तो इस तरह से लाजमी कीजिएगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर मैंने सोचा चलो जी इस तरह से कर लेते हैं। और अभी हम जाते हैं दोस्तों उस दरख्त के पास और देखते हैं कि क्या उस घोंसले में अंडे आए हुए हैं। अगर अंडे आए हुए होंगे तो दोस्तों मैं वो अंडे उठा के अपने खुमरों के नीचे रख दूंगा, मतलब जो हमारे घर में डव्स हैं मास्टर केज में, हम उनके अंडों के नीचे रख देंगे और वो डव दोस्तों इनको आराम से पाल लेगी। मतलब दोनों का साइज़ एक ही होता है, शेप ही एक होती है मुँह की, तो कोई इशू नहीं होगा। तो चलें दोस्तों चेक करते हैं कि क्या हम अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मैं तो बहुत ज़्यादा यार खुश हो रहा हूँ, अल्लाह करेगा कि यार अंडे आए हुए होंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन तो हो गए हैं। मैंने पहले भी चेक किया था, अभी भी आप चेक करते हैं कि क्या बनता है, क्या सीन है, घोंसले में कुछ है भी या नहीं है। चलें और सीते हैं, चलें आज। तो यार दुआ कीजिएगा कि घोंसला खाली ना हो, उसमें अंडे हों। आ जाओ यार। तो देखते हैं क्या चीज है अंदर। घोंसला तो है पड़ा यार, देखें देखें। बड़े कांटे हैं इधर, आपको भी नज़र आ रहे होंगे। ये दरअसल दरख्त है किक्कर का, हम तो इसको किक्कर बोलते हैं दोस्तों, पता नहीं आप क्या बोलते हैं इसको, लेकिन हम इसको यहीं बोलते हैं। तो मुझे देखना है क्या कांटे कांटे मुझे भी लगे हैं यार। ओए 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 ओए, ये देखें दोस्तों ये चुभ रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं देखूंगा घोंसले को और इसमें से अंडे उठाने हमने आज लाफिंग डव के दोस्तों। और यार एक मिनट सीखते हैं, कुछ है क्या? हाँ कुछ है, कोई यार नजदीक से देखना होगा। चलो यार एहतियात से जाओ। यहीं से देख लो, बस पहुंच जाऊंगा मैं। नेस्ट है कहाँ पे मुझे तो बताओ। नेस्ट है यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक कांटे हैं यार। ये है नेस्ट, अभी नहीं नजर आया मुझे। ये देखो ना ये। हाँ ये देख लिया देख लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, अंडे नहीं है। ये नेस्ट भी अजीब है यार, ऐसे होते हैं डव। चलो यार यहाँ से सीते हैं। तो दोस्तों लाफिंग डव के अंडे घोंसले में मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे एक जहन में और चीज़ आई है कि हम खुमरों के अंडे पिजन्स के नीचे रखते हैं और पिजन्स के अंडे खुमरों के नीचे रखते हैं, इससे क्या होगा कि जो हमारे डव्स हैं खुमरे हैं वो हमारे घर के टेम हो जाएंगे, मतलब उनके जो वालिदैन होंगे ना वो पिजन्स हो जाएंगे और अपने तरीके से उनको पालेंगे, बाहर निकालेंगे, मतलब जैसे होता है पिजन्स वाला सीन वैसे ही खुमरों के साथ हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है दोस्तों। चलते हैं इस तरह से करके देखते हैं, ये पॉसिबल है क्या, मतलब पॉसिबल। ये भी मुझे कमेंट में एक भाई ने बोला था, तो उनकी बात दोस्तों मेरे जहन में है, तो मैंने इस वजह से ये बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम अपने मास्टर केज में आ गए, और आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि यार तबीयत मेरी ज़रा आज ख़राब है। तो शुरू में तो थोड़ी सी थी एनर्जी जब मैं बाहर था, लेकिन वहाँ से आने के बाद यहाँ तक तो थोड़ा सा मुझे वीकनेस भी हो रही है और सर्दी भी लग रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। तो लेकिन फिर भी दोस्तों मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, हिम्मत नहीं हारूँगा। आप तक अगर मैं डेली एक वीडियो ना पहुँचाऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। तो आज भी हर हाल में मैंने वीडियो बनानी ही बनानी है सिर्फ आपकी खातिर। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये क्या है यार? देखो काम देखो शायान के, ले जूते डाल के चले गए अंदर, ये भी खुला हुआ है। ये देखो यार मुर्गी को खोल यार जाने। सारे आ गए। तो आपको दोस्तों एक और गुड न्यूज़ भी देनी है मैंने आपको। मैंने पिछले दिनों
कबूतरी का अंडा एक दिखाया था ना, आज उस कबूतरी ने दोस्तों दूसरा अंडा भी दे दिया है। तो ये देखें दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों इसका एक मसला है कि ये बेचारी अकेली है, ये अकेले ही अंडों पर बैठ रही है। जो इसका मेल था दोस्तों वो उस कबूतरी के अंडों के नीचे बैठता है, जो सामने अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ही सेव कर रहा है, इनको इनक्यूबेट नहीं कर रहा। ये बेचारी अकेली ही मादा बैठी रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों हम इसके अंडे उठाएं, ये दो अंडे हम रखें अपना डव के नीचे और एक अंडा रखते हैं सिपाह, एक अंडा रखते हैं। एक अंडा दोस्तों यहाँ से उठाते हैं हम डव के नीचे रखते हैं, और डव का एक अंडा दोस्तों इसके नीचे रखते हैं। ठीक है, दो अंडे इसके पूरे हो जाएंगे और डव के भी मतलब तीन बच जाएंगे, एक कबूतर का उसमें मिक्स हो जाएगा, ऐसे करते हैं। तो इनको पहले यार हम कर लेते हैं क्या होता है वो निशान, निशान भी लगाना है, और क्या होता है यार वो कैंडलिंग, कैंडलिंग कर लेते हैं यार कैंडलिंग अभी तो, लेकिन इसके नहीं कर सकेंगे अभी तो, वो अंडा निकाला है सारा। तो खैर कैंडलिंग बाद में करेंगे, पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलो यार सिखते हैं, ये फर्टाइल है तुम्हें कन्फर्म है? फर्टाइल है यार, मैंने देखा था ना। अच्छा करते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ये आओ जी, ये हो गया पिजन। तो ये हमारी डव दोस्तों जो कि अंडों के ऊपर बैठी हुई है, और इसको हम उठा देते हैं ताकि इसको पता ना चले कि हमने अंडे इसके एक्सचेंज किए हैं। तो इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो ये तो गई, नहीं 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 करो यार, चलो जाओ भागो 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 भागो, इधर रख दो ना, ये खुल जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे उठा लेता हूँ, लिख देता हूँ डव। हाँ चलो ठीक है। ये देखें दोस्तों, हम डव के नेस्ट में पिजन का अंडा रख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में। ये जो अंडे हैं तीन, ये छोटे हैं। तो अल्लाह करेगा दोस्तों ये सही से एडजस्ट हो पाएगी, लेकिन साइज मुझे लग रहा है कि बड़ा है। ये देखें, ये पिजन का मैंने रख दिया अंडा। तो ये अंडा दोस्तों मैं अब कबूतरी के नीचे रखने वाला हूँ, अल्लाह करेगा दोस्तों इसमें से बच्चा निकल आएगा और हमारे ही कबूतरी फिर इसको पालेगी और एक डव हमारे घर की टेम हो जाएगी इंशाल्लाह, जो मुझे लगता है दोस्तों। अगर आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या डव एक खुमरा घर का पक्का होता है या नहीं होता, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इसको दोस्तों मैं रखता हूँ, आ जाओ यार, आ जाओ, और ये भी हम इसको रखते हैं इस अंडे के साथ में इस तरह से, ठीक है। और अब यार देखते हैं कि क्या वो डव सही से बैठी हुई है अंडे पर या नहीं बैठी हुई। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी डव भी बैठी हुई है, तो देखता हूँ कि यार सही से बैठी हुई है, एडजस्ट किया हुआ या नहीं किया हुआ। सही है यार, ठीक है सिपाहन, निकलेगा बच्चा इंशाल्लाह। चलो ये पकड़ो कैमरा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि क्या कबूतरी ने उसको एक्सेप्ट किया है उस अंडे को या नहीं किया। चलो चलिए सिपाहन, बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी कबूतरी अंडे पर बैठ गई, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक कबूतरी एक खुमरे के अंडे को पाल रही है और इसमें ऐसे बच्चा जो निकलेगा तो आई होप कि उसको भी पालेगी दोस्तों, क्योंकि खुमरा और डव एक ही नस्ल है तकरीबन, खुमरों का पेयर भी लग जाता है पिजन्स के साथ। तो यकीनन दोस्तों कि ये बच्चे को सही से पालेगी और हमारे इस सेटअप का वो खुमरा आदि भी हो जाएगा और उसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में उड़ाएंगे भी सही। और हमारा ये देखें मेल गुनाफोल, इतना डर रहा है मुझे, इतना डर रहा है दोस्तों, क्या करूँ यार इसका, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये दोस्तों हमारे घर वापस आ गया था, पता नहीं कैसे मौजा हो गया था हमारे साथ। तो खैर दोस्तों दुआ कीजिएगा कि हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है ये हम इसमें कामयाब हो जाएं, और 15 से 16 दिनों बाद इंशाल्लाह गुड न्यूज़ भी आएंगी। तो अभी हम इनको बंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल शेयर में याद को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और मैं भी जाऊंगा डॉक्टर के पास, थोड़ी सी यार मेडिसिन लूँगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे सर में दर्द भी हो रहा है अब, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, अजीब सा फील हो रहा है। तो दुआ कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।